सर्दियों में स्किन का ड्राई होना, रूखा होना, बेजार होना और ग्लो का खत्म हो जाना एक आम प्रॉब्लम है। हमारी स्किन सर्दियों में बहुत ही ज्यादा ऐसी कंडीशन में आ जाती है जिसके ऊपर हम बहुत कुछ करने के बावजूद भी उस पर वो नेचुरल ग्लो नहीं ला पाते जिस ग्लो को हम लाना चाहते हैं। और इसका सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों कि जो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उनकी वजह से जो हमारी स्किन है वो उतना नेचुरल जो ऑयल का प्रोडक्शन करना चाहिए वो उतना ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। और नेचुरल ऑयल के प्रोडक्शन की कमी की वजह से हमारी स्किन के अंदर रूखापन और बेजानता आ जाती है। तो एक बहुत ज्यादा जरूरत वाला स्टेप यहाँ पर आता है कि हम स्किन को जब नेचुरल ऑयल नहीं बन पा रहा तो बाहर से कुछ ऐसा लगाएं जिसकी वजह से उसकी ऊपर सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और सपलनेस जो है वो बनी रहे और जो शाइन की जो हम उम्मीद करते हैं वो शाइन हमेशा हमें उतनी ही खूबसूरती के साथ बरकरार दिखाई दे। इसी के लिए बहुत जरूरी होता है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना जो नेचुरल भी हो और उनके इफेक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मार्केट में जो भी मेडिसिन हमें मिल रही हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन अच्छी तो हो जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। तो ये जो आज का वीडियो है ये एक DIY वीडियो है जिसको आप सुन करके अपने आप अपने घर में एक आलमंड क्रीम बना सकते हैं, क्योंकि आलमंड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है, बादाम एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हम सदियों से अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए यूज करते आए हैं। आलमंड के अंदर विटामिन ई होता है और बहुत सारी मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर स्मूथनेस, सपलनेस, सॉफ्टनेस तो आती है, इसके अलावा हमारी स्किन में स्किन लाइटनिंग, एंटी पिगमेंटेशन और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। इसके अलावा हमारी स्किन को ड्राइनेस को खत्म करने में ये आलमंड क्रीम बहुत ज्यादा मदद करेगी। आलमंड क्रीम बहुत सारी मार्केट में भी अवेलेबल है लेकिन उनके अंदर आलमंड कितना है इसकी हम कभी श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि आलमंड का परफ्यूम बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, फ्रेग्रेंस बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी क्रीम के अंदर आप उस फ्रेग्रेंस को मिला देते हैं और वो क्रीम आलमंड की बोली जाने लगती है लेकिन उसमें आलमंड नहीं होता है। सो बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को देख करके अपनी वो क्रीम खुद बनाएं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूं कि किस तरह से वो क्रीम बनेगी लेकिन हर एक स्टेप को मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इसको सुनकर के ही आप अपने घर में बहुत आराम से इस आलमंड क्रीम को बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आलमंड क्रीम बनाई जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर पहले बोल दूं कि ये क्रीम जो है ये ड्राई स्किन के लिए, एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा एक्ने प्रॉन है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने आते हैं या आपकी स्किन पे थोड़ा सा भी ऑयल लगते ही या थोड़ा सा भी ग्रीसी प्रोडक्ट लगते ही स्किन में इरप्शन आ जाते हैं तो ये क्रीम आपको नहीं लगानी है। ये क्रीम आप सुबह और शाम बहुत आराम से लगा सकते हैं। जब आप इसे दिन में लगा रहे हैं तो इसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाएं जिससे अंदर ये क्रीम आपको नरिशमेंट देती रहे और ऊपर से सनस्क्रीन आपकी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है सूरज से उनसे प्रोटेक्शन देता रहे। सो दोनों चीजें आपकी एक साथ होंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो दोस्तों इस क्रीम को बनाने के लिए जो सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए 15 बादाम। इन 15 बादाम जो नॉर्मल जो कैलिफोर्निया आलमंड हम जिसको बोलते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में वो हम लेंगे क्योंकि इनके अंदर विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B12, विटामिन सी बहुत थोड़ी सी मात्रा में और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो इन 15 बादामों को हमें पानी के अंदर रात भर के लिए भिगो देना है। जैसे ही आप इन बादामों को भिगोएंगे रात भर के अंदर इनका जो छिलका है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको सुबह उठ करके इनके छिलके को छील लेना है और छिलके को छीलने के बाद में अंदर से आपको जो बादाम की गिरी होती है जो एकदम व्हाइट कलर की होगी, आइवरी कलर की होगी, वो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। इस आइवरी कलर की जो बादाम की गिरी है उसको एक आप ग्राइंडर में डालिए, ग्राइंडर में थोड़ा सा गुलाब जल डालिए। गुलाब जल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आरओ का पानी या नॉर्मल पानी भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी डालते हैं तो बस इस क्रीम की थोड़ी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है क्योंकि जो नॉर्मल पानी है उसका जो TDS होता है वो हर एक जगह पर अलग अलग है जिसकी वजह से इस क्रीम की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा रोज वाटर या आरओ वाटर आप डालें। तो इसकी क्वांटिटी जो आप ले सकते हैं वो लगभग ले लें आप 20 से 30 ml तक। इस 20 से 30 ml पानी को 15 बादाम जो भिगो करके आपने छील लिए हैं उनके अंदर ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंडर को चलाइए जिससे एक स्मूथ पेस्ट बन जाए।
अब जो ये स्मूथ पेस्ट होगा इसके अंदर आपको पानी अलग दिखेगा और जो फाइबर जो होता है जो बादाम के अंदर वो आपको अलग दिखेगा। तो अब आपको इसको छान लेना है। छानने के लिए आप एक छलनी का इस्तेमाल कर सकते हो या आप इस्तेमाल कर सकते हो एक मलमल के कपड़े का भी, जो सुविधा से आपको कंफर्टेबली मिल जाए उसको आप आराम से यूज करें। और आलमंड के मिल्क को, जो दूध जो आपने निकाला है इस बादाम का, उसे हम अलग कर लेंगे। ये हमारी क्रीम का बेस होगा और जो फाइबर जो आपका बच गया है उस फाइबर को आप एज अ स्क्रब अपने फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, जिससे आपके स्किन के ऊपर पॉलिशिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगा, साथ के साथ सॉफ्टनेस और सपलनेस भी आपको मिलेगी। सो इस दूध के साथ में अब हमें चार चीजों को ऐड करना है। अब वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लीजिए, जिस बड़े बाउल के अंदर आप इस जो दूध हमने निकाला है बालमंड का उसे हम लोग ले लेंगे। उसके अंदर हमें मिक्स करना है विटामिन ई के 4 से 5 कैप्सूल्स। विटामिन ई अपने आप में एक एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरा हुआ विटामिन है, जो कि फैट सॉल्युबल होता है, जिसको रेगुलर यूज करने पर हमें एंटी एजिंग एंटी रिंकल एंटी फाइन लाइंस के जो रिजल्ट होते हैं वो मिलते हैं। So, आपने 4 से 5 कैप्सूल विटामिन ई के फोर करके या उनको कट करके उसका जो वेसिकस होता है उसका जो सीरम होता है अंदर वो आपने डाला। दूसरी जो चीज हमें डालनी है वो यहाँ पे डालनी है 1/2 चम्मच रोगन शीशीन बादाम का जो तेल होता है, बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिलता है, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी आजकल मिलने लगा है, वो हम 1/2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। नंबर 3 जो चीज आएगी दोस्तों वो इसके अंदर आएगी हमारा एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो मार्केट में बहुत इजीली आपको अवेलेबल होता है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, और अगर आप स्किन अफेयर्स के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपको कैरियर जेल मिलता है, जिसके अंदर खुद की कोई फ्रेग्रेंस खुद का कोई कलर नहीं होता, वो भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल या कैरियर जेल आपको डालना है। नंबर नेक्स्ट जो चीज आती है दोस्तों वो आता है आपका एक असेंशियल ऑयल। तो उस असेंशियल ऑयल का नाम है दोस्तों फ्रेंकेंसेंस असेंशियल ऑयल, क्योंकि फ्रेंकेंसेंस असेंशियल ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर पानी को बांध के रखता है, आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल और वाटर का जो डिसबैलेंस हो जाता है सर्दियों के अंदर उसको आप मेंटेन अच्छे से कर पाते हो। तो हमें यहाँ पे 10 ड्रॉप्स उसकी भी मिला देनी है। फ्रेंकेंसेंस ऑयल आपको हमारी वेबसाइट से बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इन सारी चीजों को अच्छे से चम्मच से, जिस तरह से हम ऑमलेट बनाने के लिए एग को फेंटते हैं बीट करते हैं, या कॉफी बनाने के लिए हम कॉफी को शुगर के साथ बीट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अच्छे से बीट कीजिए। और तब तक बीट कीजिए कि जब तक कि आपको एकदम स्मूथ, जब तक एकदम आपको ग्लॉसी जो क्रीम का फील नहीं आने लग जाता है, उसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लम्स होंगे तो जब आप उसे लगाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा वो फील नहीं देगा। तो दोस्तों अब आपकी क्रीम रेडी हो गई है, और इस क्रीम को आप सुबह और शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं, और ये क्रीम आपको एंटी एजिंग, स्किन लाइटनिंग, स्किन पिगमेंटेशन को लाइट करने में, आपको रिंकल्स को खत्म करने में, फाइन लाइंस को खत्म करने में, आपकी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करने में, ग्लो लाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रीम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन विंटर सीजन के अंदर, और अगर ये क्रीम आपको हेल्प करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आएं और लिखें कि आपको इस वीडियो ने कितना ज्यादा मदद किया, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को आपको लगता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज में डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।